हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो आज मैं काफी दिनों के बाद आपके सामने हूँ। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक एग्जाम स्केड्यूल या एग्जाम से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए, इसमें टाइम टेबल और अपने को क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं और कम समय में आपको पूरी एक स्ट्रेटजी बनाने का चांस मिले। तो आज मैं स्टूडेंट्स आपके सामने 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके सामने वन बाई वन आते रहेंगे। अगर आपने ये 10 पॉइंट्स अगले 1 मंथ में फॉलो किए तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी एग्जाम में पीछे नहीं रहेंगे। और अगर आपकी परसेंटेज 70 है तो आप 70 से 90 पे पहुंचेंगे, 80 है तो 95 तक भी पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि ये 10 पॉइंट्स आपको बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं। हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन क्योंकि बोर्ड एग्जाम का वीडियो है तो जल्दीबाजी में मैं कोई भी डिस्कशन इसमें नहीं करूंगा। आप चाहें तो स्पीड इंक्रीज करके जरूर इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है स्लीप से रिलेटेड। ठीक, अब कि सर इसमें स्लीप का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है, आपने इसको पहले पॉइंट पर क्यों लिया है? देखिए, कई लोगों का इसमें होता क्या है, लोग क्या सोचते हैं जनरली स्टूडेंट्स की कि भाई जैसे जैसे एग्जाम पास आएगी तो भाई सोना कम से कम है और पढ़ना ज्यादा से ज्यादा है। लेकिन स्टूडेंट्स आपने ये पहले साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है और एक बायोलॉजिकल नीड भी, कि कम से कम 6 घंटे की प्रॉपर नींद हर स्टूडेंट के लिए जरूरी होती है। और हर स्टूडेंट क्या, हर पर्सन के लिए, जैसे आप जानते हैं कि एक 24 घंटे का दिन होता है, तो 24 घंटे में 6 घंटे यानी 1/4 टाइम हमको नींद को देना ही है। कई लोग सोचते हैं 6 की जगह 5 में भी काम चल जाएगा, लेकिन वो स्टूडेंट एक इमरजेंसी बेसिस पर होता है। सपोज दैट आपका कल ही मॉर्निंग में एग्जाम है और आपका कोई एक चैप्टर रह गया और आपके पास टाइम कम बचा है, कोई दिक्कत नहीं, आपने उस दिन 5 घंटे की या 4 घंटे की नींद ले ली, चलेगा। लेकिन इसको आप 1 मंथ या 2 मंथ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको उसमें तो कम से कम 6 आवर्स लेने ही पड़ेंगे। तो पहला काम तो ये है कि आप जो भी टाइम स्केड्यूल बनाएं एग्जाम के लिए, स्टडी के लिए, उसमें 6 घंटे की कंपलसरी नींद आपको लेनी ही है। क्लियर? और टाइमिंग के अगर मैं मेरा सजेशन आप मानेंगे तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ 10 to 4 को, बाकी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मान लो कई स्टूडेंट जो होते हैं तो रात में पढ़ने की ज्यादा आदत होती है, 12 to 6 का रूटीन ले सकते हैं, लेकिन इसके आगे नहीं। कई बच्चे मैंने देखे रात में 2 बजे तक पढ़ते हैं, मॉर्निंग में सोचते हैं 6 घंटे के बाद 8 बजे उठ जाएंगे, ये बिल्कुल ही एक कोलैप्स रूटीन है। तो आपको जो है या तो 3 रूटीन आप फॉलो कर सकते हो। देखो, 10 से पहले तो आपको बताया कि ज्यादातर बच्चों की आजकल डेली रूटीन ऐसी हो चुकी है, और फैमिलीज की भी, कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 9 से 3 तो वो तो एक बिल्कुल रॉन्ग वे हो जाएगा। तो आपके 3 रूटीन है, या तो आप 10 to 4 को चुन लें, चाहे 11 to 5 ले लें, या 12 to 6, इन 3 में जैसा भी आपको इजीली कंफर्ट है। क्लियर? तो बात यही है कुल मिला के अपने को बच्चों कि 6 घंटे की नींद हर हालत में लेनी ही है। क्लियर? इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब कई बच्चे सोचते हैं सर 6 घंटे की नींद हमारी स्टडी पूरी नहीं हुई, तो एक चीज जान लीजिए कि माइंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक कैचिंग पावर की एक लिमिटेशन होती है पर डे के हिसाब से। जैसे आपने कई साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि 7 and 30 minutes, 7 hours 30 minutes यानी 7.5 घंटे से ज्यादा दिमाग एक 24 के होराइजन में कवर नहीं करता है। क्लियर? तो वही यहाँ पर चीज अप्लाई हो रही है। अब अगर आपको दिमाग को फुल फ्रीक्वेंसी में चलाना है तो 6 घंटे की नींद से क्या होगा कि बाकी जो 18 घंटे की प्रोडक्टिविटी है उसमें